फिर टाइम है 11:30 हो चुके हैं, अब घर की तरफ आ रहे थे तो थोड़ा सा यहाँ पे फिर हमने प्लान चेंज करा है। अभी हम जा रहे हैं ग्यू, तो ग्यू में भी मोनेस्ट्री है, तो आप ही भी चाह रही है कि आज थोड़ा सा तबीयत भी ठीक है, मोनेस्ट्री जाना चाह रहे हैं। रोड तो मेटलिंग हुआ पड़ा भाई, इधर ग्यू में। अच्छा अच्छा हेलो हेलो हेलो, कैसे आप सब? हाँ, फिर से स्वागत है आप सभी का। तो दोस्तों, मैं हूँ अभी ग्यू बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री ग्यू पहुँचा हूँ। अच्छा लग रहा है देख के, तो दिखाते हैं अंदर का कौन सी प्रतिमा है, कौन सा स्टैचू है।차다 기억이만 तुसिंग जी छे ही जा जी छिलो ही जा मंडल लो या नौ है ना Ho sbagliato qui, ci devi dopo.
तो गाइस ये देखिए जय में जय मा। तो ये देखिए पद्म संभव हमारे गुरु बुद्धिस्ट धर्म के, तो आज फिर से ग्यू में तो दुर्लभ चीज़ देख पा रहा हूँ मैं फिर से। तो हमने यहाँ दर्शन कर लिया है, अब देखते हैं और क्या दर्शन करना है, काफ़ी टाइम भी जा रहा है। ठीक है, भी बने रहे चैनल पे। ऊपर जाने के लिए देखिए देव गाइस, फर्स्ट फ्लोर के लिए जाने के लिए ये पौड़ियाँ हैं। मम्मी भी आ रहे हैं। गांव यहां से दिख रहा है गाइस। फर्स्ट फ्लोर के दर्शन हो गया, सेकंड फ्लोर चलते हैं भाई पौड़ियों से। भाई मंदिर को तीन फ्लोर में डिवाइड किया अभी तक, पर ये बहुत कच्चा है यार, ये तो टूटा हुआ है। इस वाले फ्लोर पे ताला लगा हुआ है। भाई बहुत मुश्किल से चलने का भाई, ये बहुत ज्यादा वाला मुश्किल से, फिर भी ऊपर तो बंद है, ना जाए दोस्तों, हमारा इतना वेट है नहीं, जिनका वेट ज्यादा है वो ना जाए। तो दोस्तों देखिए मॉनेस्ट्री के साथ ही एक कमरा है, उसके अंदर रखा गया है द मामी। तो दूर दूर से हजारों की संख्या में लोग इसे देखने आते हैं दोस्तों। यहाँ थोड़ी स्टोरी में बता देता हूँ, DNA से पता चला है ये 500 साल पुराना है मम्मी। और कमाल की बात तो ये है दोस्तों, इसकी जो त्वचा है और दांत है और बाल आज भी सुरक्षित है। मिस्र की मम्मी की तरह इस पर कोई भी रसायनों का लेप करके कृत्रिम तरीके से संरक्षित नहीं रखा गया है, पर इतनी सदियों तक ये मम्मी कैसे बना यह एक अपने आप में रहस्य है दोस्तों। परंतु स्थानीय लोगों का मानना है कि यह एक बौद्ध भिक्षु थे और उन्होंने अपने जीवन काल में मम्मी बनाने की जो प्रक्रिया शुरू कर दी थी, स्थानीय लोगों का मानना है कि उनका नाम सांगा तेंजिन था।
सांगा तेंजिन अपने आप को जीवन और मृत्यु के चक्कर से मुक्त करना चाहते। उनकी मम्मी बनने की जो प्रक्रिया रही होगी दोस्तों, उन्होंने खान पीन सीमित मात्रा में लेना शुरू करा होगा जिससे पेट में बैक्टीरिया बना होगा और अधिक ज़्यादा ठंड होने की वजह से उन्होंने उस चीज़ को समझ लिया होगा दोस्तों। बहुत चीज़ें होगी जो मम्मी बनने तक की प्रक्रिया उन्होंने समझ लिया होगा दोस्तों। कहा जाता है 1975 में भूकंप के बाद खदान में ये आर्मी वालों को मिला था, बट साइंटिफिक तरीके से ये आज भी रहस्य है दोस्तों कि ये सच में मम्मी है या एक कंकाल। पर जो भी है दोस्तों, देख के अद्भुत अचंभे रह गए हम लोग, मज़ा आ गया दोस्तों। तो गाइस हो गया, अभी व्यू दर्शन कर लिया आपने, सबने हो गया, अब चले यहाँ से भी चलो। अब हम व्यू मोनेस्ट्री से निकल रहे हैं, अब हम गांव के बीच में हैं और यहाँ पे भी देखिए स्तूपा, गांव के बीच में भी काफ़ी स्तूपा, एक पीछे था स्तूपा, वहाँ मैं निकाल नहीं पाया वीडियो। और ये मेन गांव व्यू विलेज, हम यहाँ लोकल मक्खन या घी का पता कर रहे हैं। काफ़ी जान पहचान है मेरे अंकल का भी और मेरे दादाजी ने काफ़ी टाइम स्पेंड करा है व्यू में। ये देखिए भाई, मम्मी और बुआ आ रहे हैं भाई, दोनों के घुटनों में प्रॉब्लम है फिर भी मेहनत जारी है भाई, झील देखना ही है इन्होंने। झील से मतलब दोस्तों हम पहुंच गए हैं नाको, नाको लेक। कैसे है भाई बोटिंग बोटिंग? यहाँ पे दादी और मम्मी तो मना कर रहे थे, फिर भी मैंने जबरदस्ती उठा के इनको बोर्ड पे पटका दिया। अब हम जो एंजॉय ले रहे हैं बोटिंग का नाको लेक में। हेलो 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 राजू, फिलहाल ले रहे हम मजे नाको लेक का। फिलहाल सब मजे कर रहे भाई, मजा आ रहा है ने? अभी तो मना कर रही थी, डर रही थी भाई, जबरदस्ती उठा के लेके आना पड़ा। मजा आ गया, बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। मम्मी ना अभी तो नहीं जो सेम सेम वो होशियार भी हो। तो ये नहीं आऊंगा हम, हमने खुद ही गाड़ी तो ना चला रहे। आप किस आप से तो दोस्तों दिन भर ट्रैवल ट्रैवल राइडर और सॉरी ड्राइवर ड्राइवर ही बना रह रहा हूँ मैं फिलहाल। अभी पहुँच खाब, ये खाब ब्रिज पहले भी आ चुका हूँ मैं, बहुत लिमिटेड आता हूँ अपर किन्नौर। तो खाब ब्रिज के पास ये है हमारे भाई छेवंग का ये होटल है, नमकीन चाय पी लेते हैं फिर निकलते हैं अपने घर की ओर। तो गाइस काजा और कीबर बहुत सारी चीज़ों का ट्रिप आज क्लोज होने वाला है दोस्तों। आज सुबह से ट्रैवल कर रहे थे हम, अभी जाना को जिन से भी हम निकल गए थे, उसके बाद ब्लॉगिंग बनी नहीं है। अब हम अपने मार्केट मेन मार्केट स्पिलो पहुंचने वाले हैं, हार्डली 3 किलोमीटर है। तो दोस्तों अच्छा रहा सफ़र, हम पहुंचने वाले हैं बिल्कुल 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 एक सेकंड तक कोई कंकर तक इतने से कोई रास्ते में है, अभी नहीं पहुंचे, कंकर यहीं भी आ जाएगा। चलो सही है, सच में कुछ प्रॉब्लम नहीं आई है, अच्छा सफर रहा।
बिल्कुल 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 हमारा जो एक मुल्लम था अभी अभी ने मुल्लम लगाया था कि वहाँ जाना है, तो हम लेके गए फैमिली में, मम्मी बुआ सब ने थोड़ा साथ दिया, आपी का भी चल पड़े साथ में और अच्छा रहा सभी का। सब ने तेते को बहुत मिस किया क्योंकि तेते का जीवन जो है अपर किन्नौर में बहुत टाइम स्पेंड किया। हाँ ये बात भी सही है। तो दोस्तों थोड़ा बहुत मैं कुछ चीज़ें ऐड करूँगा कि हम क्यों गए थे। जो बताया था कि तेते के लिए हमने मुल्लम लगाने गए थे उनकी आत्मा शांति के लिए, और फिर बुआ जी भी तैयार हो गए। बुआ जी तो पहले जा चुके थे अपने लिवारसा साइड, तो फिर हमारा सबका प्रोग्राम बनते 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 हम सब चले गए थे। और यही सफ़र अब आपको मैं दिखाऊंगा वीडियो के जरिए, या जो वीडियो में मैंने दिखाया है वही जर्नी रहेगा। फिलहाल हम अपने घर से 5-6 किलोमीटर ही दूर हैं। तो बाय बाय, टेक केयर। फाइनली तो गाइस फाइनली हम अपने घर लावरंग पहुंच गए। आने जा रहे हैं, ठीक है बाबा। अच्छा रहा सफर? बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा। वरना फिर देखेंगे आप, है ना? पर आप ही के साथ अच्छा रहा, ठीक है। जा रहा हूँ मम्मी, पहुंच गए। थक गए?